सबसे पहला आश्रय सबसे उत्तम जो है वो तन से है। एक जगह पर बैठकर कथा में जाकर, अपने शरीर से कथा में जाकर वहां पर बैठकर इस रामचरितमानस को सुने। समय होने पर जब जब ईश्वर अनुकूलता दे तब बैठकर इसके चौपाइयों का पठन करे, उसको गाए, उसको समझे। कहा गया है भागवत जी में, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतं गृहे। कोई भी भागवत हो या रामायण हो, उसकी एक चौपाई, उसके एक श्लोक का रोज पारायण करना चाहिए। वैसे तो एक एक अध्याय रोज बोलना चाहिए, बोलो जय श्री कृष्ण। रामचरित मानस जब खोलेंगे तो वहां होता है मास प्रथम विश्राम, मास द्वितीय विश्राम। एक महीने में यदि पूरा करना है तो वहां पर विश्राम, वहां तक रोज कम से कम एक दिन का आपको बोलना चाहिए। पंडित जितना टाइम कहाँ है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहा आधा बोलो, आधा टाइम नहीं तो एक श्लोक बोलो। ये शॉर्टकट की पद्धति आज से नहीं है, बहुत पुरानी है। एक खान की बात आपको बोलो, आप बाहर जाके मत बोलना, बोलो जय श्री कृष्ण। इंडिया में जब सत्यनारायण की कथा करने जाते हैं तो वहां 1000 नाम से तुलसी का पान चढ़ाते हैं, राइट। अब अमेरिका है, बुजुर्ग लोग पूजा में बैठेंगे तो दे आर सो हैप्पी व्हेन वी डू सहस्त्र अर्चना, बट बच्चों को बिठाएंगे तो खानगी में महाराज थोड़ी उतावल राखजो, थोड़ी जल्दी करना, पहले से बताया जाता है हमें, मेरा बच्चा बैठेगा और ज्यादा लंबी पूजा करेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं बैठेगा, तो वी डोंट वांट टू पुश अप, लाइक हमको उनको नहीं करना चाहते, हम भी हाँ बोल देते हैं, ना बोलेंगे दूसरे को बुलाएंगे, बोलो जैसे कृष्ण, बहुत कड़वा सत्य है। तो पहले सहस्त्रा मतलब 1000 नाम से तुलसी का पान चढ़ाने की हमारी आदत रही, करते रहे क्या बहुत, अभी उसकी जगह 108 आ गए। तो अब ये आज की नहीं है ये शॉर्टकट, बहुत पुराना है। मैं बहुत जगह पे कहता हूं ये बात के बहुत खुशहाल पहले एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा कि मुझे विष्णु भगवान की पूजा करना है, मुझे कुछ नाम बताइए विष्णु भगवान के। अब महादेव जी तो विष्णु भगवान के प्रिय है ना, उनको उनके आराध्य देव है। तो महादेव जी ने आंखें बंद करके बोलना शुरू किया, 1.5 घंटा लगाया, बोलो जय श्री कृष्ण। पार्वती को चक्कर आया, भगवान इतने सारे नाम, कैन आई हैव शॉर्ट वर्जन प्लीज। भगवान ने कहा ऑफ कोर्स। तुरंत भगवान 1000 से लेकर अच्छे अच्छे नाम को लेकर उन्होंने अष्टोत्तर शतदिव्य स्तोत्र बनाया, जिसमें 108 नाम है जो अभी करंट में चल रहा है। पार्वती ने कहा प्रभु प्लीज डोंट माइंड, बट कैन आई हैव वन नेम, एक ऐसा नाम बताइए, एक नाम बोलने से 1000 नाम का फल मिल जाए, इतना बड़ा शॉर्टकट मारा, बोलो। अब भोलेनाथ है, वो तो भोले है, कभी मना किसी को करते नहीं। तुरंत समाधि लगाई और 7 चक्रों को उन्होंने जागृत किया, और जागृत करने के बाद में पूरे नाम को ऐसे ऐसे देखा और उसमें से जो सबसे उत्तम नाम था वो ले लिया, और महादेव ने एक अद्भुत श्लोक रचना की, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, उसमें आता है पार्वती वाच केनो उपाये न लघुना, हम बोलते हैं ना विष्णु सहस्र में, ऐसा कोई उपाय बताइए कि एकेन श्लोकेन, एक श्लोक से हम पूरा पा ले। तो राम भी भगवान महादेव का है, शिव उवाच श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से भक्ति से सच्चे भाव से जब बोलता है श्री राम जय जय राम, उसको 1000 नाम का फल मिलता है। महाराज थैंक यू, बोलो जय श्री कृष्ण, वी आर सो अप्रिशिएट, आपने मुझे ये दे दिया। परंतु ध्यान दो, ये देना ऐसे नहीं, ये ऐसा बोलते समय महादेव जी की स्थिति होनी चाहिए, तब फल मिलता है, नहीं तो कुछ मिलता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अमेरिका में डर लगता है बोलने के बाद, कोई सू कर देंगे तो, पंडित जी आपने बताया था, ये तो वीडियो भी चल रहा है। हाँ, तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है इसे। भाई जब भी आप ये नाम लो, तो महादेव जैसे समाधि में बैठे थे, एक मग्न एक ध्यान और एक चित्त हुए थे, उसी रीति से जब व्यक्ति एक ध्यान में जाकर पूर्ण समर्पण भाव से राम नाम बोलेगा, जय राम श्री राम जय राम जय जय राम,
ये बोलेगा तो उसको 1000 नाम बोलने का फल मिलेगा। ये अद्भुत शक्ति है। तो ये शॉर्टकट पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं। तो कहा गया कि समय मिले तब एक एक चौपाई का पारायण करिए। श्रवण भाई तुम्हारे कहते हैं कि कुछ न मिले तो क्रम का कोई नहीं होगा तो चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आज पहली चौपाई किया तो कल दूसरी। ऐसे ही बस ग्रंथ खोलो, जो चौपाई आए पढ़ लो, बस आनंद पालो। ऐसा भी होता है, ये भी भक्ति का एक नियम है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे गुरु जी करते थे। कभी भी उनको मन में कोई भी प्रश्न होता था, उनको भागवत ग्रंथ पर बहुत विश्वास था। जब भी मन में कोई प्रश्न होता था, क्या करे न करे, क्या होगा नहीं होगा, तो मन में धारणा करते थे, एक ही और बेकी, एक मतलब एक ही और बेकी। और बाद में भागवत जी के ग्रंथ का पूजन करके वो ऐसा मन में करते थे, दसवां श्लोक खोलकर वहां से दसवां श्लोक गिनते थे। जॉन जिस जो नंबर होता था उसको प्लस करते थे, एक ही आया तो हा और बी की आया तो ना, और काम होता था। ये श्रद्धा है। रामचरित मानस में एक सलाका भी दी गई है, एक सुंदर कौष्टक है। आप जब अनुकूल हो तो ऐसा करना, कभी कोई मन में प्रश्न हो तो भगवान राम का ध्यान करके उन पर विश्वास करके। पर एक ही बार होता है, बोलो जैसे कृष्ण। हाँ भाई, जब तक हाँ न आए तब तक ऐसा नहीं। अमेरिका में है ना, उनको अब अनुभव हो गया, 4-4.5 साल हो गए, बोलो जैसे कृष्ण। 4 जगह पे मुहूर्त पूछते हैं। जिस पंडित जी उनके अनुकूल वाला मुहूर्त बोलेंगे, ही इज द बेस्ट पंडित जी इन द वर्ल्ड। हाँ ऐसा होता है कई बार, तो वही यजमान दोनों के बीच में भी आते हैं, बोलो जैसे कृष्ण। परंतु ऐसा नहीं, एक बार राम पर पूर्ण विश्वास करके, एक प्रश्न का मन में धारणा करके, एक कौष्टक लिखा है वहां, एक सदा का मतलब पेन वहां रखकर वहां से नौमा अक्षर गिनना है, 1-2 वहां से नौमा, और वो नौमा अक्षर एक जगह पर लिखना है। फिर जो नौमा है वहां से फिर से नौमा, ऐसे करते 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 आप श्लोक अक्षर लिखते जाएंगे तो एक पूरी चौपाई बन जाएगी, और उसके नीचे वो सब चौपाई लिखी है उसमें से ही एक चौपाई बनेगी, बाहर की नहीं, उसमें से ही बनेगी, और नीचे उसका फल लिखा होगा। कार्य हो जाएगा, कार्य होने में संदेह है, कार्य जल्दी होगा, अथवा दुष्ट व्यक्तियों का संग छोड़ दीजिए, उसमें सब ये लिखा है, और I'm sure वो ही आएगा, तो चिंता ही मत करिए, उसमें से एक आएगा। तो कहने का तात्पर्य, ये ग्रंथ कल्पतरु वृक्ष है। 3 रीति से सेवा, पहला तन से, शरीर से जितना हो रामचरित की सेवा करिए, उसका पारायण करिए, उसका पाठ करिए, उस कथा हो रही है वहां पर जाइए, तन से सेवा। अब तन वाली सेवा भी 2 प्रकार की है, बोलो जैसे कृष्ण। तन वाली सेवा भी 2 प्रकार की, एक श्रवणीय सेवा और एक मननीय सेवा। जब तन से शरीर से सेवा करते हैं तो पहले तो इस कथा को सुनना चाहिए, ये सेवा है, और बाद में समय मिले तब घर जाकर अपने बच्चों के साथ उस कथा का मनन करना चाहिए। जो यहाँ सुनकर आए वो जहाँ वहाँ जाकर किसी को सुनाइए, वो भी सेवा है। दूसरी सेवा, तनुजा वित्त जा, वित्त से पैसे से, जहाँ भी कथा होती है, जहाँ भी ऐसा आयोजन होता है, वहाँ आप अपने धन को अर्पण करें, जिससे हमारे धन की शुद्धि होती है। क्योंकि एक ही माध्यम, एक ही अनुष्ठान ऐसा है कि जहां पर धन देने से हमारे कर्तव्य और हमारे कर्मों का फल चुकता हो जाएगा, और वो है कथा। क्योंकि मैं आपके घर भोजन करने आए तो आप मेरे घर भोजन करने आएंगे, और शास्त्रों में लिखा है कि जिसके घर का अन्न दाना खाया उसको दाना खिलाना पड़ेगा, यदि नहीं खिलाएंगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, बोलो जैसे कृष्ण। अब ये क्या, अब कैसे करें हम, पंडित जी तो कितने सारे जन्म लेने पड़ेंगे, पंडित जी तो बहुत भोजन करते लोगों के घर में, है ना, तब करें क्या। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमको गुरु जी ने पढ़ाया, हमको गुरुकुल में पढ़ाते हैं कि जब आप सुबह संध्या करो तो संध्या के समय माला करते समय ईश्वर को प्रार्थना करो, हे परमात्मा मैंने जो आज गायत्री माला की अथवा तो मैंने जो जप किया उससे भगवान मैंने जिसके घर का अन्न खाया है उन पर कृपा कर, उनका अच्छा करना, उनका भला करना, उनके लिए प्रार्थना करते हैं ब्राह्मण। तो जिसका हम खाते हैं उनको कुछ चुकाना पड़ता है, और ये कलिकाल है, हम समझ नहीं पाते हम किस किस का खाकर आए और किसका खा रहे हैं, ये पता नहीं होता। इसलिए जब बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, कथा का अनुष्ठान होता है, कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, तो
तो वहां अन्न दान के लिए जरूर पैसा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान अन्न का दान है। जब आप किसी को खिलाते हैं उससे बड़ा दान बहुत कम माना गया है। पैसा जितना भी देंगे तो कम पड़ेगा, 101 डॉलर होगा तो सोचा 151 क्यों नहीं, 151 होगा तो बोले पेट्रोल का खर्चा नहीं।